Assalamu alaikum my dear students. Today we learn synonyms and opposite word. So open page number 32. बच्चों यह पाठ में हम समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द का ज्ञान प्राप्त करेंगे. Students, you must have understood. And pay attention properly. तो सबसे पहले हम इसमें समानार्थी शब्द देखेंगे, synonym words. Students, now we learn synonyms words. So pay attention properly. सबसे पहले हम समानार्थी शब्द देखेंगे. Students, यहाँ पर आप देखो first word. पहला शब्द कौन सा है? पे अटेंशन. इसमें पहला शब्द है नेत्र. व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेत्र? नेत्र आई. और नेत्र का समानार्थी शब्द कौन सा है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंख. आई को हिंदी में कहते हैं नेत्र. और नेत्र का नेत्र की तरह ही, नेत्र की समान ही बोला जाने वाला शब्द है आँख. उसके बाद दूसरा शब्द है वृक्ष. वृक्ष, वृक्ष मीनिंग आ ट्री. ट्री, इसका समानार्थी शब्द हिंदी में है पेड़. पेड़. तीसरा है पक्षी. पक्षी, पक्षी का समानार्थी शब्द है पंछी. पंछी, है ना? नेक्स्ट है पुष्प. अ फ्लावर. पुष्प का समानार्थी शब्द है हिंदी में फूल. फूल को हिंदी में पुष्प भी कहते हैं. और पुष्प फूल है और इसका मीनिंग है आ फ्लावर, है ना? हिंदी में फ्लावर को पुष्प भी कहते हैं और फूल भी कहते हैं. नेक्स्ट है द्वार. द्वार आडूर, है ना? द्वार को हिंदी में दरवाज़ा भी कहते हैं. दरवाज़ा, द्वार, दरवाज़ा. दरवाजे का समानार्थी शब्द कौन सा है? द्वार, दरवाज़ा. चारपाई. चारपाई, चारपाई खटिया, है ना? चारपाई को हिंदी में खटिया भी कहते हैं और खटिया को चारपाई. ये दोनों वर्ड समानार्थी है. नेक्स्ट है सवेरा. सुबह. सुबह का समानार्थी शब्द कौन सा है? सवेरा. सवेरा, सुबह. सवेरा, सुबह. मॉर्निंग, मॉर्निंग. नेक्स्ट है केश. बाल. बाल को हिंदी में कहते हैं केश. हेयर, है ना? हेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? केश. और केश का समानार्थी शब्द कौन सा है? बाल. ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ पे अटेंशन प्रॉपरली. स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न अपोजिट वर्ड. सो सी फर्स्ट वर्ड इन द फर्स्ट बॉक्स. ओके, पे अटेंशन स्टूडेंट्स. अब हम विरुद्धार्थी शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे.
ध्यान दीजिए। सबसे पहले आता है दिन। दिन, दिन का अपोजिट, दिन का विरोधार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? रात। दिन, रात, दिन, रात, है ना। नेक्स्ट, ऊपर। ऊपर, ऊपर, ऊपर का विरोधार्थी शब्द नीचे, नीचे, है ना। नेक्स्ट है कम। कम, कम का अपोजिट, कम का विरुद्ध, कम का विरोधार्थी शब्द कौन सा होगा? अधिक। अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम अधिक, है ना। नेक्स्ट है छोटा। छोटे का अपोजिट क्या होगा? यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ना, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटे का विरुद्धार्थी शब्द बड़ा। नेक्स्ट है गरम। गरम, गरम का अपोजिट, गरम का विरुद्धार्थी शब्द ठंडा, ठंडा, गरम, ठंडा। नेक्स्ट है सुखी। सुखी, सुखी का अपोजिट, सुखी का विरोधाती शब्द कौन सा होगा? दुखी। सुखी, दुखी, सुखी, दुखी। नेक्स्ट बंद। बंद, पैक, बंद का अपोजिट क्या हो जाएगा? खुला। बंद, खुला, बंद, खुला। नेक्स्ट है आगे। आगे का अपोजिट क्या हो जाएगा? आगे का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? पीछे। आगे, पीछे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव मस्ट अंडरस्टूड प्रॉपरली। ओके, सो स्टूडेंट्स, राइट सिनोनिम्स एंड अपोजिट वर्ड इन योर नोटबुक एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको समानार्थी शब्द और विरोधार्थी शब्द अपनी नोटबुक में कॉपी करना है और साथ ही साथ इसे आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन प्रॉपरली एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। ओके, इंशाल्लाह जब आप लोग क्लास में आओगे फिर से हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।